अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्लाह ताला का शुक्र है, हम सब भी ठीक है, खैरियत से हैं। बच्चों की तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, बच्चे काफ़ी ठीक हो चुके हैं। अनसब और अशस, मेरे मुंह से फवाज़ निकलता है बार बार, अनसब और फवाज़ का नाम आता है। तो बाकी सुबह मैंने कहा कि सुबह का आगाज़ करें, आपसे मुलाकात करें, व्लॉग का स्टार्ट करें। मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि सारी बातें इमरान को जाना होता है, तो मैंने उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया। काफ़ी देर हो गई है वैसे उनको तो गए को, लेकिन मैं दोबारा से नहीं सोई। दिल तो मेरा बड़ा कर रहा था कि सो जाऊँ, आज छुट्टी का दिन रेस्ट करूँ, लेकिन आपको पता है कि जैसे आजकल सारा काम हमें खुद करना पड़ता है, मुझे और हुरैन को। मेरी जो हेल्पर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि चलो बच्चे तो सो रहे हैं, जब उठेंगे तो नाश्ता इकट्ठा करेंगे। फ़िलहाल मैं उठती हूँ, लगती हूँ अपने काम पे। तो काम तो आज के दिन बहुत करने को हैं, जैसा कि आपको पता है कि छुट्टी के दिन तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मेरे भी बहुत काम है जो कि मुझे पता है कि कम्प्लीट तो नहीं होंगे, आज रह जाएंगे बाकी। अब नेक्स्ट बाकी काम जो रह जाएंगे वो संडे के दिन करूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जो कोई बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम आज के दिन मेरे हो सकें। तो अभी मेरी चाय अपनी निकाल के रखी हुई थी, इमरान गए हैं तो मैंने कहा कि चले पहले चाय तो पीती हूँ ना, बाकी जो का जो नाश्ता है, जो बच्चे उठेंगे तो उनके साथ करूँगी बाकी का जो नाश्ता है। फ़िलहाल चाय से तो दिन का आगाज़ करें, नाश्ता तो आँखें निकल रही हैं, आप देख रहे होंगे मेरी आँखें भी कैसे हुई हुई हैं। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और जो जो काम मैं करूँगी, जो जो कुछ सारा कहीं जाऊँगी आऊँगी सारा आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू आने वाले हैं जाके फ़ौरन पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, बेल का बटन प्रेस करें, फिर वीडियो वॉच करें। और प्लीज़ आप ना आगे से आगे वीडियो को शेयर भी करें, और अच्छा सा कमेंट भी दिया करें, और लाइक भी किया करें। बच्चे अब उठ गए हैं, मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं सारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब हमने खाना है दाल वाला पराठा, हुरैन कह रही है और मैंने भी हाँ, और अनसब कह रहा है मुझे सादा पराठा पका दो, छोटा सा मम्मा पका के देना। अब मैंने भी ये छोटा ही बनाया है उसके लिए, जी जी अशस को भी छोटा, और मैंने और हुरैन ने दाल का खाना है, दाल का आटा पड़ा हुआ है। और एक और हमारे लिए बैड न्यूज़ है, कल से हमारा दोबारा से ट्रांसफार्म तो नहीं ख़राब हुआ, फेस ख़राब हुआ हुआ है, और लाइट बिल्कुल 400 450 ट्रांसफार्म का अर्थ ख़राब हो गया है। इतनी यह जी हो रहा है इनका दाल वाला पराठा। चाहे इसके साथ चाय भी ना हो, यकीन करें
साए भी ना हो तभी भी इतना मज़े का ये लगता है, मुझे खुद बहुत बहुत पसंद है मुझे दाल का पराठा। दाल है ना इसलिए इसका कलर ये है। फिर दाल डाले तो फिर मैं थोड़ा सा नमक मिर्च और भी डालती हूँ ताकि आटा के साथ नमक मिर्च पूरी हो जाए। जी अब बन रही है चाय। खाना हम लोगों ने खा लिया हुआ है, तो अभी खाना खा ही रहे थे कि हुरैन के बाबा के मेहमान आ गए। वो कह भी रहे थे कि मेहमानों ने आना है थोड़ी देर में, लेकिन अभी खाना उनका थोड़ा सा रह गया है जिसमें ये खा रहे थे। ये देखिए उसकी खाना अभी उनका पड़ा हुआ है तो इतना सा रह गया है। अब पता नहीं बाद में खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो मेहमान आ गए हैं क्योंकि काम के सिलसिले में, तो उनके लिए चाय बना रहे हैं। तो सब कह रहे हैं कि हमारे लिए भी बनाए। एक मेहमान जो है ना उसकी चाय निकालनी है फीकी। दो गेस्ट आए हैं तो एक तो मेरी भी फीकी होती है, फिर मैं बाद में चीनी डालती हूँ। बस अब मौसम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है तो सर्दी तो आई नहीं है, तो बच्चे कहते हैं कि जी बस मेरा खुद भी दिल करता है कि चाय हो। इसको रखते हैं ढक के और अब मैं डालती हूँ चीनी। आज आके मैंने बस सफाई तो नहीं की, बच्चों ने भी घर साफ ही रखा हुआ था और टाइम भी नहीं था इतना। बस मैंने ना वॉशरूमों का काम किया, वो सफाई वगैरह की, किचन थोड़ा बहुत साफ़ किया, तो रोटी वगैरह खाना वगैरह बनाया, रोटी इनका हल्का फुल्का सा वो हम लोगों ने खाया। अब चाय बना रहे हैं, इसके बाद अब मैं थोड़ा किचन की शेल्फें वगैरह साफ़ करूँगी और बर्तन है वो धोऊँगी। तो क्योंकि फुल काम नहीं हो सकता, सफाई के लिए भी ज़्यादा 2 घंटे चाहिए होते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। स्कूल जाती हूँ इस वजह से कस्टमर आ जाते हैं, इस वजह से दिन भी छोटे हैं, आपको पता है सर्दियों के दिन हैं बहुत छोटे हैं। तो कल छुट्टी है हमें, इंशाल्लाह ताला कल को मैं देखूँ कोई रूटीन से हटके को काम करूँ, कपड़े विंटर के निकालूँ या फिर दर्जन को कपड़े भी सीने को देने जाने हैं, मैंने कपड़े भी सिलाई करने हैं या तो कुछ देखती हूँ करती हूँ मैं। चलो अन सब जाके ना ये चाय दे। ये सेंटर वाली जो है ना ये फीकी है, ये बता देना। अब मैं बर्तन धो लूँ, चाय वगैरह दी है तो मैंने कहा अब मैं जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँ। लगा था ग्लास टूटने, शुक्र है बच गया। तो मैं अभी तक बर्तन धो रही हूँ, बर्तन अभी और भी हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज के व्लॉग का एंड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें जितनी हो सकती है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू आने वाले फ़ौरन सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट भी दिया करें लाजमी, और आगे से आगे शेयर भी करें। तो इसी के साथ ही आपके व्लॉग का एंड करती हूँ। जिस तरह आप मुझे पहले सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी करें, मज़ीद करें और करें, ज़्यादा करें। तो सुबह इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।